यूं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुले तौर पर जिंदगी जीने वाली ऐसी कई सारी अभिनेत्रियां हैं जो खूब खर्चीली हैं और ज्यादा पैसा उड़ाती हैं, पर 100-200 के लिए कभी किलकिल बाजी नहीं करती। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वही बड़े पर्दे की 5 अभिनेत्रियों ने तो कंजूसी में PhD कर रखी है, जो पाई पाई का हिसाब रखकर अपने पैसे बचाती है। तो आखिरकार कौन कौन सी वो कंजूस अभिनेत्रियां, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। नंबर 1, माधुरी दीक्षित। दग द गर्ल माधुरी दीक्षित फिल्मी दुनिया की बड़ी एक्ट्रेस तो है ही, साथ ही इतनी कंजूस भी है कि एक फालतू पैसा खर्च नहीं करती और उन पैसों को सही काम में लगाती है। नंबर 2, करीना कपूर। वहीं बेबू करीना कपूर का नाम यहाँ कैसे ना आए, क्योंकि इन्होंने भी तो कंजूसी में PhD कर रखी है, जो कि दूसरों के पैसों से अपना खर्चा निकलवा लेती है पर कभी अपनी जेब खाली नहीं करती। नंबर 3, काजोल। इसी के साथ अभिनेत्री काजोल बचत में विश्वास रखती है, जो अपनी एक ड्रेस कई बार पहनती है और कई बार बाहर घूमने फिरने जाती भी तो है, तो पाई पाई का हिसाब लेकर जाती हैं, जहाँ तक इनकी कोशिश यही होती है कि उसमें से भी ये पैसा बचा कर लाएं। नंबर 4, रवीना टंडन। आज मस्त एक्ट्रेस रवीना टंडन के पास क्या कुछ नहीं है, पैसा, रुतबा, शान और शौकत, जेवरात, हीरा, मोती, सब कुछ है, फिर भी ये एक नंबर की कंजूस हैं, जो सब्जी वाले से तक लड़ जाती हैं और फ्री फोकट का सामान उठा लाती हैं पर कभी एक फालतू पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। नंबर 5, जूही चावला। वही खूबसूरत अभिनेत्री जूही चावला भी इतनी कंजूस है, जो पैसा बचाने के चक्कर में अपने शौक को मार देती है और सोच समझ कर जरूरत के हिसाब से अपनी जेब से पैसे निकालती हैं। तो दोस्तों, क्या इन अभिनेत्रियों का इतना कंजूस होना सही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।